हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद हैप्पीनेस के इस नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैंने अभी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट देखी है और इसके अंदर अभी पता चला है कि अभी ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो लेटर डाला गया है उसके बाद अभी रिजल्ट का या कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी लेटर नहीं आया या कोई भी नोटिस नहीं आया है। ये वाला जब मैंने ओपन किया तो ये वही है कि नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो चलती रहेंगी, मगर आप अगर आगे इस एग्जाम को फाइनली सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब फाइनली आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो अभी से ही आपको जो है कंप्यूटर की जो क्लासें हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए मैंने कंप्यूटर की आज से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, वो मैं रेगुलर क्लासेस देता रहूँगा। आज जो मैंने अभी जो क्लास स्टार्ट की है आज से, उसमें एमएस वर्ड की शॉर्टकट्स कीज के बारे में बताया है कि जो आपको एग्जाम में उनकी जरूरत पड़ेगी, और उसके अंदर जो मैंने भी पहले केंद्रीय विद्यालय का एलडीसी का एग्जाम दिया है, तो साथ में आप ये भी ध्यान रखिए एमएस वर्ल्ड एक्सेल के अलावा साथ में एक टाइपिंग टेस्ट होता है और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ जाएगा कि होम पेज किसे कहते हैं, या फिर मतलब उसके आंसर आपको लिखने होंगे। ऐसे दो या तीन या चार क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वही एमएस वर्ड के नीचे ही आपको टाइप करने होते हैं, तो आप उनके लिए भी तैयार रहें। और कंप्यूटर के जो है आप क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है विंडोज को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, ये आप थोड़े बेसिक तैयार कर लें। और मैंने भी आज से क्लास स्टार्ट कर दी है, आप उसे भी देख लें। रेगुलर मैं उस क्लास को देता रहूंगा और आप इन सब चीजों में आप ज्यादा अपना समय व्यर्थ ना करें कि कट ऑफ क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। अब जो रहेगा वो रहेगा, अब वो मैंने उस कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो डाल दिया है और जितना भी लोगों का उसमें कवर हो रहा है वो आप तैयारी करते रहें। हो सकता है कि थोड़ा नंबर कम भी चला जाए उससे, तो आप तैयारी करते रहें अच्छे से और टाइपिंग की अच्छे से करें, क्योंकि टाइपिंग का प्रेशर वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी की 40 की स्पीड है तो वहाँ हो सकता है 30 की निकले या 32 की निकले, क्योंकि वहाँ का एटमोसफियर थोड़ा अलग होता है, थोड़ा होपलेस हो जाता है बंदा जिसने पहले कभी जाकर टाइपिंग नहीं की है। तो आप टाइपिंग करते रहें और जो है हाँ, और मैं कल से जो है इस पर एक एक्सेल का भी डालूंगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सेल के फार्मूले लगवाए जाते हैं, तो मैं साथ में एक्सेल के भी वो फार्मूले जो कि उसमें आपके यूज होंगे, जैसे पिछली बार कॉनकैट नेट का आया था, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके जो है उस फार्मूले का बताऊंगा। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहें और मैं इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी मैं आपको देता रहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो और आप देश की प्रगति में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।